रहमान रहीम, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इंशा अल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पेपर में सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इसी में से पूछे जाएंगे। इस दफ़ा आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से 50% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एस्ट्रोलॉजी यानी कि कंसेप्चुअल सवाल होंगे, और बाकी के जो 50% हैं वो आपके नॉलेज बेस होंगे। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये आपके बोर्ड के जारी करे जो न्यू पेपर पैटर्न एस्ट्रोलॉजी है बिल्कुल उसके मुताबिक बनाए गए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से करके चले जाएँ तो इंशा अल्लाह आपके जो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंशा अल्लाह वो इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाद बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आप शॉर्ट क्वेश्चन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बता देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आपका जो 50% पेपर है ये कंसेप्चुअल होने की वजह से एक ही क्वेश्चन को 5 दफा दिया जाता है, यानी कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, क्वेश्चन की नेचर को चेंज करके एसएलओज बना के 5 से 6 दफ़ा इसलिए दिया जाता है कि वो सवाल जिस तरह मर्जी घूम के पेपर में आ जाए आप उसको 100% अटैम्प्ट कर सकें। नंबर ऑफ क्वेश्चन ना देखा करें, जब आप क्वेश्चन को याद करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सर ने एक ही सवाल जो 5 से 6 दफ़ा चेंज करके दिया है उनका आंसर सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन की जो नेचर है इसको चेंज करके एसएलओज बनाया गया ताकि वो जिस तरह मर्जी सवाल आए बच्चे उसको अटैम्प्ट कर सकें। आपके 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में टोटल जो सवाल पूछे जाते हैं वो 24 होते हैं, 24 में से जो आपने हल करने होते हैं वो 15 होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपके सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें 50% जो आपके नॉलेज बेस होंगे, 35% अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 15% एप्लीकेशन बेस होंगे। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, और हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनके तरीफे भी दी हुई हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं जो सिर्फ पासिंग नंबर लेना चाहते हैं, 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 नंबरों की ज़रूरत है, और आप सिर्फ और सिर्फ यही जो तरीफे मैंने हर चैप्टर के एंड पर तरीफें दी हुई हैं, कमज़ोर बच्चे सिर्फ वही तरीफें कर लें तो इंशा अल्लाह उनके जो पासिंग नंबर है वो आ सकते हैं। और मैंने ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये न्यू पेपर पैटर्न एसएलओज के मुताबिक बनाए हैं और सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। इंशा अल्लाह यही जो सारे सवाल आते हैं आपके पेपर का हिस्सा होंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये सारे सवाल या तो किसी बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज पर नोट कर लें, इंशा अल्लाह यही सवाल आपके पेपर का हिस्सा होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूशी पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करें।